वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर से बनता है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे कि एक सॉलिड के अंदर डेंसिटी को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी मास और वॉल्यूम के रेशियो को ही हम डेंसिटी बोलते हैं। और डेंसिटी का जो यूनिट होती है वो होती है मास की यूनिट, ग्राम होगी यहाँ पर, और वॉल्यूम जो होगा वो हम सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। तो यहाँ पर डेंसिटी की यूनिट जो सॉलिड के अंदर है वो होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फॉर्मूला जैसे आप जान ही गए हो, डेंसिटी का फॉर्मूला मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अब हम देखेंगे कि मास किस तरीके से कैलकुलेट करना है किसी भी यूनिट सेल का, चाहे वो सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है या एफसीसी टाइप की यूनिट सेल है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम आप जानते हो किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो होता है ए क्यूब, और ए क्या है, उसकी एज लेंथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम की। इसका यूज जब हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे थे वहां भी हमने किया था। तो ये सपोज ये जो एज लेंथ है, तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा ए इंटू ए इंटू ए, यानी ए क्यूब जो है वो इस क्यूब का वॉल्यूम होगा। कोई भी क्यूबिक सेल हो, चाहे सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है या एफसीसी है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो उसके एज लेंथ के क्यूब के इक्वल होगा। एक चीज, जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया कि यहाँ पर जो यूनिट हमको रखनी है वॉल्यूम की, वो रखनी है सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर क्यूब रखनी है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर मीटर में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में या किसी और यूनिट में एज लेंथ का वैल्यू गिवन है, तो आपको सबसे पहले उसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर के अंदर। ओके, बेसिकली आपको जो वैल्यू है वो पिकोमीटर में देता है। तो पिकोमीटर होता है 10^-12 मीटर, और जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10^2 से या 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है 10^-10 सेंटीमीटर, 10^-10 सेंटीमीटर। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10^-10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं मास के बारे में। तो देखिए, एक एटम का मास इनटू वो यूनिट सेल टोटल कितने एटम से बनी है उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे यूनिट सेल का मास हमको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है वो एक एटम से बनी है, जो बीसीसी यूनिट सेल है वो 2 एटम से बनी है, और जो एफसीसी यूनिट सेल है वो 4 एटम से बनी है। यानी जेड का वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4 होगा। जनरली हमको एलिमेंट्स का या एटम्स का मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है। तो मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं क्या होता है, एक मोल का मास होता है, और एक मोल में टोटल कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो जब हम मोलर मास को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से तो हमको एक एटम का मास मिल जाएगा, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल से। यानी जो मास होगा यूनिट सेल का वो होगा Z इंटू एम, जहाँ पे M है मोलर मास, डिवाइडेड बाई Na, Na है एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पर इसको N नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये मास के लिए, इन इक्वेशंस को कंबाइन जब हम करेंगे तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमें दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, जो डेंसिटी होगी वो होगी Z इंटू एम मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। अब M का जो यूनिट है वो होना चाहिए आपका ग्राम के अंदर। ओके, और जो ए क्यूब है उसका यूनिट आपका होना चाहिए सेंटीमीटर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जेड का मतलब है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एम का मतलब है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, एन नॉट का मतलब है एवोगाड्रो नंबर जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10^23, ए जो है वो एज लेंथ है, सेंटीमीटर में लेना है इसको, ध्यान रखना, और रो जो है वो डेंसिटी को हमने सिंबल दिया है। तो ये फॉर्मूला जो है वो डेंसिटी का फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे हमेशा। डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यूब, जेड इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल।
ओके, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो डेंसिटी के फॉर्मूला पे बेस्ड बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए आपको मास और एज लेंथ का वैल्यू देके डेंसिटी पूछ सकता है। सपोज कोई यूनिट सेल है जो कॉपर से बनी है, तो कॉपर का आपको मोलर मास गिवन होगा और आपको उस यूनिट सेल की एज लेंथ गिवन होगी, और आपसे डेंसिटी का वैल्यू जो है वो पूछ लिया जाएगा। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, आपको डेंसिटी गिवन होगा, आपको ए क्यूब दे दिया जाएगा, टाइप ऑफ यूनिट सेल बता दिया जाएगा, FCC है, BCC है, उससे Z का वैल्यू पता लग जाएगा और आपसे मोलर मास पूछ लेगा कि मोलर मास क्या है। क्लियर? दूसरा इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, अगेन आपको डेंसिटी का वैल्यू गिवन होगा, आपको मोलर मास गिवन होगा और टाइप ऑफ सेल गिवन होगा और आपसे एज लेंथ पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको डेंसिटी कैलकुलेट करवाया गया है। क्वेश्चन क्या है इसको जरा गौर से पढ़िए। सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस। CCP लैटिस का मतलब होता है FCC, और FCC अगर है तो Z का वैल्यू हो गया आपके 4। ओके, उसके बाद में लिखा है एक्सरे स्टडी शो दैट द एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर, यानी ए का वैल्यू, एज लेंथ का वैल्यू भी आपको गिवन है 408.6 पिकोमीटर, और ये जो वैल्यू है वो पिकोमीटर के अंदर गिवन है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर एंड एटॉमिक मास आपको गिवन है 107.9 यू। यू का मतलब यूनिफाइड मास। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको वैल्यूज को फॉर्मूलाज के अंदर पुट करना है। आपको गिवन क्या क्या है, CCP यूनिट सेल यानी Z का वैल्यू हो गया 4, उसके बाद में मोलर मास आपको गिवन है ग्राम में, तो यहां पर उसको केजी में कन्वर्ट किया है। आप इसको केजी में कन्वर्ट मत कीजिए, आप इसको ग्राम में ही रहने दीजिए क्योंकि हमें ग्राम में ही चाहिए। ओके, उसके बाद में एज लेंथ जो है वो दी गई है पिकोमीटर में, तो इसको इसने मीटर में कन्वर्ट किया है, आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में क्या होगा, 408.6 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर, और आप इन वैल्यूज को डायरेक्ट फॉर्मूलाज में पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 4 × 107.9, केजी में हम नहीं कर रहे इसलिए 10⁻³ से हम नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई ग्राम पर मोल। ओके, देन डिवाइडेड बाय 408.6 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर क्यूब, और ये एवोगाड्रो नंबर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसने क्या किया, पहले केजी के अंदर कन्वर्ट करके और बाद में इसको 1000 से डिवाइड किया है, तो एक स्टेप ज़्यादा बढ़ाने के बजाय आप पहले से यूनिट कन्वर्जन ग्राम में और एज लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये हुआ, इसको एक बार आप खुद से देखिए और सॉल्व कीजिए। उसके बाद में दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, आपको बोला गया है कि कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल, अगेन FCC यूनिट सेल मतलब Z का वैल्यू 4, देन आपको गिवन है एज लेंथ 3.608 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, देन आपको कहा गया है इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपको डेंसिटी का भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, और आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको डेंसिटी का वैल्यू गिवन है, एज लेंथ का वैल्यू गिवन है, आपको जो है टाइप ऑफ सेल पता है यानी जेड का वैल्यू आपको पता है, तो आपको मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या था अपना, डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम बाई एन ए, एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। ओके, तो आपको ए क्यूब गिवन है, एन ए आप जानते हो वैल्यू, जेड का वैल्यू पता चल ही रहा है 4, डेंसिटी गिवन है, तो मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वैल्यू आएगा 63.1 ग्राम पर मोल।
और जो मोलर मास होता है वही वही एटॉमिक मास भी होता है, केवल यूनिट क्या हो जाती है, यू, यूनिफाइड मास हो जाता है। ओके तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हुआ, इसको भी आप एक बार देखिए। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, आपको गिवन है एन एलिमेंट हैज अ बी सी सी स्ट्रक्चर। ओके सो बी सी सी का मतलब जेड का वैल्यू तो हो गया 2, विथ एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर, यानी एज लेंथ हो गई आपकी 288 × 10⁻¹ सेंटीमीटर। ओके पहले ही कन्वर्ट कर लीजिए करें सेंटीमीटर में। एंड द डेंसिटी इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ऑलरेडी जिस यूनिट में हमको चाहिए उसी में है, इसको चेंज करने की नीड नहीं है। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। आपको बोला है कि 208 ग्राम एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें एज लेंथ के हेल्प से हमने उस सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, या उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में जो डेंसिटी का वैल्यू गिवन है 7.2 × 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस डेंसिटी के वैल्यू से हमने इसका एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है। ओके मास आपको गिवन था ऑलरेडी, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी, और हमको वॉल्यूम मिल गया 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये जो है ये तो है एक यूनिट सेल का वॉल्यूम जो हमने एज लेंथ से कैलकुलेट किया, और ये है टोटल लेटिस का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में से अगर हम एक यूनिट सेल के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ यूनिट सेल पता लग जाएगी, और नंबर ऑफ यूनिट सेल जब आपको पता लग गई ये रही, उसके बाद में आप जानते हो एक यूनिट सेल में बीसीसी के 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जेड का वैल्यू कितना है 2 है, तो इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आपको एटम्स मिल जाएंगे, जो कि यहां पर आंसर आ रहा है 24.16 × 10²³ एटम्स। क्वेश्चंस इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पे करना पड़ेगा। आपको गिवन क्या है, आपको कॉपर मेटल की डेंसिटी गिवन है और आपको रेडियस भी गिवन है जो पिकोमीटर में है। आपको ये बताना है कि ये जो कॉपर यूनिट सेल है वो सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है या एफसीसी है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब। ओके तो जेड का वैल्यू हम बारी बारी से इसको सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए रखेंगे, तो एक में आएगा 1, 2 और तीसरे में आएगा 4 इंटू मोलर मास आपको गिवन है सभी में, देन ए क्यूब। अब ए क्यूब निकालने के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी वाली कैलकुलेशंस को याद रखना पड़ेगा। सिंपल क्यूबिक के लिए ए था 2R, इक्वल्स टू 2R, बीसीसी के लिए था √3A इक्वल्स टू 4R, यानी ए क्या होगा 4R/√3, और एफसीसी के लिए था √2A इक्वल्स टू 4R, तो ए क्या होगा 4R/√2। तो आप बारी बारी से z के वैल्यू को चेंज करते हुए सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी मानते हुए z तीन टाइप की डेंसिटी को या तीन अलग अलग डेंसिटीज को कैलकुलेट करेंगे। फिर जिस भी डेंसिटी का वैल्यू इस वैल्यू के सिमिलर मिलता है 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वही उस कॉपर मेटल का टाइप ऑफ यूनिट सेल होगा। ओके तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कल हम पढ़ेंगे
सॉलिड में डिफेक्ट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। और आज की क्लास तक का जो चैप्टर था वो न्यूमेरिकल पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है। अब रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो थ्योरिटिकल हैं या इजी हैं। तो जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का पार्ट 2, 3, 4 एंड 5 ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो रीजनिंग बेस्ड है।